फेसलेस चैनल में से यूट्यूब पर एक ऐसी कैटेगरी है जिसके बारे में बहुत लोग जानते तो हैं, लेकिन इस कैटेगरी की पॉपुलैरिटी और पावर का अंदाजा वो लगा नहीं पाते। और उसी कैटेगरी में से एक है किड्स एजुकेशन चैनल्स, जिनमें आपको ज्यादातर अल्फाबेट्स, एनिमल्स, कलर, शेप्स, ये सब की वीडियोस किड्स एजुकेशन से रिलेटेड देखने को मिलती है। ये वीडियो ज्यादातर कार्टून फॉर्म में होती है, जिससे कि बच्चों को वीडियो देखने में भी मजा आए और वो साथ साथ नई चीजें भी सीख पाए। और जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बोला कि ये कैटेगरी कितनी पावरफुल और पॉपुलर हो सकती है, ये जानना हो तो आप ये चैनल देखिए। सिर्फ 9 वीडियोस डालकर इस चैनल ने गेन कर लिए हैं मोर देन 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स, और वीडियो पर व्यूज भी आप खुद ही देख सकते हैं। हर वीडियो पर थाउजेंड्स और मिलियंस में व्यूज है, और ये मोस्टली किड्स एजुकेशनल से रिलेटेड ही चैनल। और भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे कि ये चैनल चूचू टीवी, इसके बारे में शायद ही कोई बच्चा या पेरेंट होगा जिसको नहीं पता, और इनके सब्सक्राइबर्स भी आप देख सकते हैं। जितने भी इस कैटेगरी के चैनल्स आप देखते जाएंगे, सब में आपको मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ही मिलेंगे, या फिर कम से कम 5 लाख से तो ऊपर ही मिले। और अगर आपको लगता है किड्स एजुकेशनल चैनल मोनेटाइज नहीं होते, तो आप बात कर लेते हैं इनकी कमाई। इनमें से हर एक चैनल महीने के थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा रहा है एज पर सोशल ब्लेड, और जब भर भर के व्यूज आएंगे वीडियोस पर तो कमाई तो होनी तय है। इन नंबर्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैटेगरी कितनी जल्दी आपको यूट्यूब पर ग्रोथ और पैसा दे सकती है। और ऐसी वीडियोस बनाना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर यकीन नहीं होता तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक पूरी कार्टून वाली एजुकेशनल वीडियो बनाना दिखाऊंगा इन लेस देन 10 मिनट्स, और वो भी 100% फ्री में। सो डोंट स्किप एनी स्टेप, चलिए फिर लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टेप 1, हमें चाहिए होगी अपनी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट। अब आप चाहे तो खुद से भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत भी हम क्यों करें भाई, जब ChatGPT है। तो हम बनाएंगे किड्स एजुकेशन वीडियो ऑन डिफरेंट फ्रूट नेम्स, और इसी से रिलेटेड स्क्रिप्ट हमें चाहिए होगी। तो मैंने ChatGPT को प्रॉम्प्ट देकर पूरी स्क्रिप्ट देने से बोल दिया है, और यहाँ से पूरी स्क्रिप्ट बनकर हमें मिल जाएगी। मैं ये प्रॉम्प्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं, और सेम प्रॉम्प्ट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप अल्फाबेट्स, कलर्स, शेप्स, एनिमल्स, किसी के ऊपर भी स्क्रिप्ट आपको चाहिए तो आप ChatGPT से बनवा सकते हैं। चलिए दो, स्क्रिप्ट हो गई है रेडी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो है वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर करने के लिए हम यूज करेंगे 11 लैब्स। अगर आप चाहें तो खुद का भी वॉइस ओवर कर सकते हैं, या फिर 11 लैब्स भी यूज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस परफेक्ट। तो ChatGPT से हमें जो भी स्क्रिप्ट मिली है उसे हम कॉपी करेंगे, और यहाँ 11 लैब्स पर पेस्ट करके कोई भी एक आवाज चूज कर लेंगे और वॉइस ओवर जनरेट करके डाउनलोड कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमें अलग अलग फ्रूट्स के बारे में अपनी वीडियो में बताना है, तो मैं हर फ्रूट के लिए एक अलग वॉइस ओवर यूज करूंगा, जिससे कि वीडियो और भी ज्यादा एंगेजिंग बन जाए और देखने वाले को और भी ज्यादा मजा आए। तो हर फ्रूट वाली स्क्रिप्ट मैं यहाँ पर पेश करके वॉइस ओवर अलग अलग आवाज में जनरेट करूंगा और डाउनलोड कर लूंगा। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप चाहे तो एक सिंगल वॉइस ही यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग वॉइस यूज करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में भी आपको ये काम आएगा, जो मैं अभी आगे दिखाऊंगा। चलिए तो सारे वॉइस ओवर भी यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिए हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब आपको आ जाना है इस साइट पर जिसका नाम है Adobe एनिमेशन, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं, 100% फ्री है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना अकाउंट बना लेना अगर पहले से नहीं बनाया हो तो, और इस पेज पर आ जाना। यहाँ पर आपको साइड बार में कैरेक्टर, बैकग्राउंड और साइज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अभी हम बस कैरेक्टर ही यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर कैरेक्टर्स की आप अलग अलग कैटेगरी देख सकते हैं, जैसे कि फूड, क्रीचर्स, इमोजीज, पर अभी हम यहाँ पर ह्यूमन वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और फिर यहाँ से आपको कोई भी एक कैरेक्टर चूज कर लेना है, और फिर उस कैरेक्टर का साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, छोटा बड़ा अगर करना हो तो। इसके बाद हमें इस कैरेक्टर में ऐड करना है वॉइस ओवर, जो हमने ऑलरेडी 11 लैब से बना लिया है। तो यहाँ पर ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो इंट्रो वाला वॉइस ओवर है, सबसे पहले मैं वो अपलोड करूंगा, क्योंकि मैंने अलग अलग वॉइस ओवर बनाया है। और अगर आपने एक सिंगल वॉइस ओवर ही बनाया है पूरी वीडियो का, तो आप पूरी फाइल एक बार में भी अपलोड कर सकते हैं। बस इसके बाद हमें ये वीडियो जनरेट करके दे देगा विद इन 10 to 20 seconds। Hey there, little learners. Welcome to our Fruit Fiesta Friends Show, where fruits come to life and share their amazing stories with you. बस अब हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आपको सारी वीडियोस ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड में ही जनरेट करनी है, ताकि आगे हम इस वीडियो का बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर पाए। अब इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर चूज करूंगा, और फिर एक दूसरा वॉइस ओवर यहाँ पर अपलोड करूंगा, और फिर वो वीडियो भी जनरेट करके डाउनलोड कर लूंगा। इस तरह चाहे जितने उतने टाइप के कैरेक्टर्स आप वीडियो बनाकर डाउनलोड कर सकते हैं, अगर अलग अलग कैरेक्टर आप अपनी वीडियो में यूज करना चाहते हो तो, और अगर नहीं तो एक सिंगल कैरेक्टर और एक सिंगल वॉइस ओवर में भी आप पूरी वीडियो बना सकते हैं, आपकी चॉइस। चलिए तो अब सारी वीडियोस भी मैंने यहाँ से डाउनलोड कर ली है, और अब हम चलते हैं फाइनल स्टेप पर, जो है canva.com। तो canva पर आकर सबसे पहले आपको क्रिएट अ डिजाइन में क्लिक करके वीडियो का साइज सेलेक्ट कर लेना है। आप ये शॉर्ट्स में भी बना सकते हैं चाहे तो, अभी मैंने YouTube वीडियो सेलेक्ट किया है। अब सबसे पहले साइड बार में अपलोड्स में जाकर Adobe वाली सारी वीडियोस आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है।
अगर एक ही वीडियो हो तो वो वीडियो बस, और अगर मल्टीपल वीडियोस हो तो जैसे मेरे केस में है तो सारी वीडियोस आपको अपलोड करनी है। अब इसके बाद सबसे पहले हम अपने डिजाइन में एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे, तो ये बैकग्राउंड सिर्फ इंट्रो के लिए ही होगा। तो साइड बार में एलिमेंट्स में जाकर सर्च करो कार्टून फ्रूट्स, क्योंकि हमारी वीडियो फ्रूट से रिलेटेड है, और यहाँ से कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट करके उसे अपने डिजाइन में ऐड कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब साइड बार में अपलोड्स में जाकर सबसे पहले जो इंट्रो वाली वीडियो है उसे ऐड करेंगे, और अब हमें सबसे पहले इस वीडियो में से ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है। तो ये आप कैनवा में भी कर सकते हैं अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो, और नहीं तो किसी भी फ्री ऐप जैसे काइन मास्टर, वीएन ऐप या फिर कैपकट में आप क्रोमा की यूज करके भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मैंने अभी कैनवा में ही बैकग्राउंड रिमूवर से इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दिया है। इसके बाद इस कैरेक्टर का साइज और पोजीशन स्क्रीन पर थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए तो अब इंट्रो वाला पार्ट सेट हो चुका है पूरी तरह। अब इसमें हम एक नया पेज ऐड कर लेते हैं, और फिर से साइड बार में एलिमेंट्स में जाकर सर्च करेंगे कार्टून बैकग्राउंड, और यहाँ से कोई भी एक कार्टून बैकग्राउंड आप चूज करके अपने डिजाइन में ऐड कर लीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर बैकग्राउंड के मिल जाएंगे, जो पसंद आए वो ऐड कर लीजिए। हम हर पेज में एक नया बैकग्राउंड ऐड करेंगे। अब इसके बाद अपलोड्स में जाकर नेक्स्ट वाली कैरेक्टर वीडियो ऐड कर देंगे, और फिर इस वीडियो का भी बैकग्राउंड यानी कि ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके कैरेक्टर का साइज और पोजीशन एडजस्ट कर देंगे, एज यू कैन सी। अब इस पेज से हमारे सारे फ्रूट्स के नाम शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहला फ्रूट है मैंगो, तो साइड बार में एलिमेंट्स में जाकर हम सर्च करेंगे कार्टून मैंगो, और फिर ग्राफिक्स में जाकर एनिमेटेड वाला फिल्टर लगा लेंगे, और यहाँ से कोई भी एक एनिमेटेड मैंगो कार्टून वाला ग्राफिक ऐड कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस ग्राफिक का साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, जितना भी बड़ा छोटा आपको करना हो। इसके बाद साइड बार में टेक्स्ट में क्लिक करके ऐड हेडिंग में क्लिक कीजिए और टेक्स्ट ऐड कर लीजिए, और इसमें हम टाइप कर देंगे फ्रूट का नाम जैसे कि मैंगो, और फिर टेक्स्ट का साइज, कलर, फॉन्ट टाइप, ये सब आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। टेक्स्ट को आपको स्क्रीन पर कहाँ पर सेट करना है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, वहां पर आप सेट कर लीजिए, और आप चाहें तो टेक्स्ट में भी एनिमेशन अलग से ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट, और ये पेज भी कंप्लीट हो चुका है। बस इसके बाद फिर से नया पेज ऐड करके साइड बार में एलिमेंट्स में जाकर एक नया बैकग्राउंड लगाइए, फिर कैरेक्टर वाली वीडियो ऐड कीजिए, बैकग्राउंड रिमूव कीजिए, और फिर जो भी फ्रूट है उसका एनिमेटेड ग्राफिक सर्च करके ऐड कर दीजिए, फ्रूट का नाम भी आप ऐड कर दीजिए। ये सेम प्रोसेस आपको करना है पूरी वीडियो के लिए, जितने भी कैरेक्टर्स आपने क्रिएट किए हैं उन सब में आपको ये करना है। तो चलिए अब मैंने सब कुछ यहाँ पर ऐड कर लिया है, और अब ये वीडियो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इस वीडियो में हम सारे सीन्स के बीच में ट्रांजिशंस भी ऐड कर देते हैं, जिससे ये और भी अच्छी है वीडियो में फील आ जाए, और यहाँ से आप कोई भी एक ट्रांजिशन सेलेक्ट करके उसे सारे पेज में अप्लाई कर दीजिए, और ये भी कम्प्लीट हो जाएगा। अब इसमें फाइनली आपको एक तड़का और लगाना है, वो है बैकग्राउंड म्यूजिक, जो आप लगा सकते हैं वीडियो अपलोड करते टाइम YouTube म्यूजिक लाइब्रेरी से ही। कोई भी कार्टून टाइप बैकग्राउंड म्यूजिक आप सर्च करके ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो थोड़ी सी प्ले करके भी दिखा देता हूँ। आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके अल्फाबेट्स, एनिमल्स, बॉडी पार्ट, वेजिटेबल्स, किसी भी चीज पर वीडियो बना सकते हैं। कोई सवाल या इशू आए तो यू कैन कॉमेंट और रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। नाउ एंजॉय द वीडियो। Hey there, little learners. Welcome to our Fruit Fiesta Friends Show, where fruits come to life and share their amazing stories with you. I'm your fruity host, Pinky, and today we're going on a tasty adventure to discover the wonderful world of fruits. Are you ready? Let's meet our fruity friends now. Hey, little sunshine. This is mango, the tropical delight. Bursting with vitamins A and C, it will give your eyes and skin a tropical glow. Slice, scoop, and savor the taste of paradise. Kia ora, my friends. This is kiwi, the green powerhouse. Packed with vitamin K, it will help your bones grow strong and sturdy. Peel the fuzzy coat and let's dance our way to a healthy you. Hey, little monkeys. This is banana, the energy booster, full of potassium, which helps your muscles and keeps you swinging and playing all day long. Peel, eat, and let the fun begin. Hello, tiny taste buds. I'm strawberry, the berry-licious buddy. Packed with vitamin C and antioxidants, I'll keep your skin smiling and shining. Let's make snacking berry fun.